Nothing is impossible. So just do it. Make your dreams come true. तो गाइस अभी यहाँ पर मैं खेलने वाला हूँ वन वन रैंक इंडिया का टूर्नामेंट, तो भाई देखते हैं मैं कहाँ तक पहुँच पाऊंगा इसके अंदर आगे भी। और चालू हो चुका है यहाँ पर पहले फेज का पहला राउंड, यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है। और इसे वाले में तो भाई मेरी आखिरी रैंकिंग आई थी 52, जिसके अंदर भाई मैं कितने 5 जेम जीत गया था उसके अंदर। तो यहाँ पर भाई देखता अभी इसके आगे निकल गया भाई, गलत जगह से आ रहा है वो, एकदम सही बात है एकदम। और यहाँ पर रेफरी वर्सेस सुपर फैन की लड़ाई हो रही है भाई यहाँ पे, तो रेफरी वर्सेस सुपर फैन की बीच में रेस हो रही है यहाँ पे। और यहाँ पर मैं निकल गया इससे आगे और एकदम आराम से खेलूँगा, एकदम आराम से खेलूँगा रुको। और पहुँच गया भाई इसके भी आगे निकल गया अभी, और यहाँ पर बस लावा नहीं टच होना चाहिए भाई, लावा नहीं टच होना चाहिए यहाँ पर, जल्दी आ रहे हो भाई। और भाई मेरा नेटलैग खाया था वहाँ पर हल्का सा, और एशिया वाले में तो भाई मैं थर्ड फेज में पहुँच जाता यार मैं अगर मेरा नेटलैग नहीं खाता तो। लेकिन इसमें बोल के कुछ मतलब है नहीं, यहाँ पर रुको भाई रुको रुको, आराम से कूद गया इसके ऊपर और बस भाई चढ़ जाना इसके ऊपर। और चढ़ गया भाई, चलो चढ़ गया यहाँ पर रुको, एकदम आराम से भाई पहुँच गया इसके भी ऊपर। और यहाँ पर भाई लावा बॉल मत मानना भयंकर वाला, एकदम हल्का फुल्का टच हो गया चलेगा मेरे को, मतलब ऐसा मत मानना कि सीधा लावा में गिर जाता आकर मैं, और नहीं मारा चला नहीं मारा अच्छी बात है, और एकदम बाजू में गिरा देखो आकर एकदम बाजू में गिरा था लावा, लेकिन कोई बात नहीं चला पर मैं कर गया क्वालीफाई। लेकिन देखते हैं अब सेकंड राउंड में क्या होगा आगे। और आ चुका यहाँ पर भाई सुपर स्लेट आ गया है अभी, देखते हैं इसके अंदर क्या होगा, किस तरफ रखा है इसने मुझे, और राइट में रखेगा क्या और लेफ्ट में रखा है भाई, लेफ्ट में रख दिया इसने। और यहाँ पर मुझे इसके आगे निकलना पड़ेगा कुछ भी करके, और अगर ये राइट से, अरे भाई सामने सामने, अबे मैं गिर गया यार, मैं गिर गया भाई लेफ्ट से कूदने के चक्कर में, और यहाँ पर कोई नीचे से निकल गया आगे। और अब तो भाई निकाल लेगा भाई, अब तो निकाल ही लेगा, चांस नहीं यहाँ पर मेरे जीतने का, यहाँ पर जरा भी भाई एकदम 0% चांस है जीतने का, बहुत ही कितना आगे जा रहा है भाई, कितना आगे जा रहा है देखो वो दिख रहा है यहाँ से। और बस भाई दुआ ही कर सकते हैं अभी जीतने के लिए, क्योंकि भाई अब तो पक्का हार गया हूँ मैं यहाँ पर, देखो भाई बहते हुए जा रहा है एकदम अच्छे से वो, और अगर कहीं पर गिरेगा तो ही मैं जीत पाऊंगा भाई, ऐसे नहीं जीतना रहा मैं। और कुछ ज़्यादा के नहीं निकलेगा भाई, बहुत ज़्यादा के निकलेगा वो, और कहीं पर टकरा भी गया तो भाई मैं नहीं निकल पाऊंगा उसके आगे, देखो कितना आगे है भाई, कितना आगे वो, बहुत ज़्यादा आगे भाग रहे हैं यहाँ पर, रुक यहाँ पर निकल गया आगे। और ये गिर गया भाई, गिर गया गिर गया गिर गया, अभी क्या कोने से गिरा भाई, क्या ही कोने से गिरा वो, और क्या मौका मिल गया भाई मुझे जीतने का यार, एक नंबर तरीके से जीता है राउंड में, एकदम हारने वाला राउंड था लेकिन फिर भी जीत गया इसको मैं। लेकिन देखते हैं थर्ड राउंड में क्या होगा आगे भी। और आ चुका है यहाँ पर भाई लेजर ट्रेसर आ गया है तीसरे राउंड के अंदर, और देखते भाई क्या होगा अभी यहाँ पर, एकदम चालू होगा। और भाई यूवा रेफरी स्क्रीन क्या लगती है यार देखने में, और यहाँ पर जो हैशटैग वन वाला और रेड कार्ड वाला इमोट है ना, क्या सही लगता है देखने में यहाँ पर, वो रेड कार्ड वाला इमोट दबाऊंगा अभी, देखते हैं क्या होता है अभी यहाँ पर। रेड कार्ड वाला इमोट साथ में डाले भाई हम लोग दोनों ने, अभी एकदम साथ में डाले हम लोग दोनों ने रेड कार्ड, रुको एक और बार करते एक और बार, और एक और बार हो गया भाई, हल्का सा एक सेकंड का फर्क था लेकिन हो गया, चलो हल्का सा फर्क था एकदम। और एक और बार देखते होता है कि नहीं बराबर टाइम पर, अरे भाई तो साथ में हो गया एकदम एकदम साथ में हो गया भाई, ये क्या हो रहा है यहाँ पर, ये क्या हो रहा है यहाँ पे, अरे वो थोड़ा लेट कर दिया उसने, थोड़ा लेट करा उसने। और यहाँ पर तो भाई हम लोग बात भी नहीं कर सकते एक दूसरे से, और अब अरे और लेट हो गया भाई, और लेट हो गया वो, अब नहीं हो पाएगा बराबर टाइम पर। लेकिन भाई स्टार्टिंग में तीन बार भाई, तीसरी बार तो एकदम टाइमिंग पर होता है, एकदम सेम टाइम पर होता है तीसरी बार, और यहाँ पर मैं लेट हो गया अभी। और भी छुटा भाई गेम पर ध्यान देते अभी रेड कार्ड दिखाते हुए, पता ना भाई रेड कार्ड दिखाते दिखाते मैं एलिमिनेट हो गया यहाँ पर, लेकिन कोई बात नहीं चलो मैं देखते हैं। अरे यार मैं लेट हो गया वापस से, और मैं बोला ना भाई तीसरी बार जो टाइमिंग पे होना भाई, उसके बाद कभी टाइमिंग पे हो नहीं पाया अभी तक का, और हो भी नहीं पाएगा ऐसा लग रहा है मुझे, यहाँ पर देखो लेट हो जा रहा है हम दोनों। अगर मैं उसके लिए रुकूंगा भाई वो पहले दबा देगा तो नहीं हो पाएगा टाइम पे यार, मैं वापस से जल्दी दबा दिया यहाँ पर, लेकिन कोई बात नहीं चलो भाई गेम पे ध्यान देना पड़ेगा यहाँ पर, जो लेजर आ रही है बहुत भयंकर अभी, रुको रुको रुको, और यहाँ पर अभी टाइमिंग तो मैच नहीं हो पाएगी अपनी, लेकिन भाई गेम पे ध्यान देकर खेलना पड़ेगा अच्छे से एकदम। और वो खेल रहा भाई अच्छा खेल रहा है वो भी, लेकिन जो तीसरी बार जो टाइम पे करे ना हम दोनों ने भाई, क्या टाइमिंग पर तीसरी बार, और यहाँ पर जंप मारते हुए खेलना यार, गलत जगह कूद गया मैं भाग यार। और अभी यहाँ पर चौथा राउंड स्टार्ट हो चुका है, तो भाई देखते हैं इसके अंदर क्या होगा भाई, पिछला राउंड तो मैं बहुत गंदा आ रहा, मैं टाइम पास करते करते हार गया उसको, और अभी भी रुको लेकिन कोई बात नहीं यहाँ पर। और अभी इसके अंदर है ना भाई, अगर मैं 5 राउंड जीतूंगा तो भी आराम से क्वालीफाई कर जाऊंगा, इंडिया में तो ये रहता भाई, इंडिया में 4 पॉइंट वाले भी क्वालीफाई करते हो, लेकिन भाई एशिया के अंदर मुझे यकीन नहीं हो रहा था देखकर उसको कि भाई 4 पॉइंट वाले भी क्वालीफाई करते उसके अंदर एशिया वाले टूर्नामेंट में, मेरे 5 पॉइंट था भाई और मैं 17वें नंबर पर था कुछ, मेरे को यकीन नहीं भाई, गिर मत भाई, गिर मत गिर मत गिर मत, मुझे लगा गिर जाऊंगा लेकिन अच्छी बात है नहीं गिरा वहाँ पर मैं। और यहाँ पर आगे इसके ऊपर एकदम आराम से निकल गया आगे की तरफ, और एकदम आराम आराम से खेलूंगा भाई मैं, जल्दबाजी नहीं करूँगा कहीं पर भी, क्योंकि इसकी टाइमिंग है ना एकदम आगे भी छोड़ रही थी कभी कभी आगे इसके ऊपर, और एकदम आराम से भाई चुपचाप से लेफ्ट से निकलूंगा एकदम अच्छे से। चलो भाई पहुँच गया आगे, और एक और यहाँ पर टाइम लगा कर एकदम स्टाइल में कर जाए भाई, चलो कर गया क्वालीफाई करके इसके अंदर, देखता है 5 राउंड के अंदर क्या होगा आगे। और आ चुका है 5 राउंड यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है, देखता अभी क्या होगा इसमें, और कितने भाई मैं 3 राउंड कर गया क्वालीफाई, बस मुझे 2 राउंड और क्वालीफाई करना। और यहाँ पर आ चुका भाई इस फ्रोजन वेलकरी लेकर आया इसने, और एक गलत जगह से आ रहा भाई, गलत जगह से जा रहा वो, यहाँ पर को आगे इसके ऊपर, हाँ चलो भाई पहुँच गया, और यहाँ पर निकल जाऊँगा आगे की तरफ। चलो भाई एक नंबर आ गया इसके भी ऊपर, और उसको भाई उसको मौका नहीं देना मुझे एक भी अगर मौका दूंगा ना मैं फालतू हरकत करके भाई, उसको एकदम अच्छा खासा मौका मिल जाएगा फिर जीतने का। और यहाँ पर गिर गया वहाँ पर गिर गया शायद वो, अच्छी बात है चलो गिर गया वहाँ पर, मेरे को मौका मिला यहाँ पर अच्छा जीतने का, और उस मौके को मैं गंवाना नहीं चाहता भाई कुछ कोई भी हालत में। यहाँ पर आ जाओ लेकिन आराम से भाई, कूद के निकलेंगे, थोड़ा जंप मार के डाइव लगा दिया इसके ऊपर, और इसी हैशटैग वन दिखाते हुए खेलते रहूँगा मैं।
यहाँ पर आगे डाइव मार के इसके भी ऊपर और एकदम इसीलिए कर दूंगा भाई, क्वालिफाई कर दूंगा इसके अंदर। अरे भाई नहीं लगा, अच्छी बात नहीं लगा। चलो और यहाँ पर कर गया, चलो इसके अंदर भी क्वालिफाई कर गया, लेकिन देखते हैं छठे राउंड के अंदर क्या होगा आगे। और यहाँ पर अभी छठा राउंड स्टार्ट हो चुका है लावा लैंड के अंदर, देखते भाई क्या होगा अभी। एकदम अच्छे से खेलना पड़ेगा इसको, नहीं तो भाई अगर इसमें हारा तो मेरी वाट लगेगी फिर, क्योंकि भाई फिर अगला राउंड रहेगा वो क्या बोलते हैं सुपर सैटरडे का अगला राउंड। उसका नाम क्या भाई, स्लोली बेटा, स्लोली बेटा नाम है इसका, स्लोली बेटा नाम है। और ये पहचान गया ये भी क्या, अभी ये भी पहचान गया क्या, पता नहीं पहचान होगा शायद। और एशिया वाले टूर्नामेंट भाई एक प्लेयर मिल गया था मुझे उसके अंदर, मतलब ब्लॉक डैश के अंदर, जो देखकर गोल गोल घूम रहा था मुझे और शायद पहचान गया था वो भी, और ये भी पहचाना शायद मुझे। और इंडिया का प्लेयर होगा भाई ये भी ऐसा लग रहा है मुझे, लेकिन फिर भी देखते क्या है, वैसे पता तो नहीं चलेगा। और गेम वाले को ना गेम के अंदर फ्लैग ऐड करना चाहिए, मतलब केप की तरह, कि जैसे वो सुपर का केप पहनता ना वैसे हम लोग फ्लैग पहन के खेलने का अपने कंट्री का, कि कोई इंडिया ने तो भाई इंडिया का फ्लैग पहन के खेल लेगा, कोई अगर बाहर का तो बाहर वाला फ्लैग पहन कर खेलेगा वो। और एकदम आराम से रुको इसके ऊपर आ गया, और अबे 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 भाई आता इसके ऊपर, और कोई स्पेन का तो स्पेन का फ्लैग भाई, फ्रांस का तो फ्रांस का, इटली का तो इटली का भाई, मतलब सही लगेगा देख के ऐसे, कि भाई देख के समझेगा कि कौन सा प्लेयर कहाँ से कौन सी कंट्री से खेल रहा है। यहाँ पर आ गया इसके ऊपर और आ गया इसके भी ऊपर, और अगर ऐसा डालेंगे तो भाई मज़ा आएगा, वैसा देख के अच्छा भी लगेगा भाई, ऐसा केप पहन के खेल रहे सब लोग तो भाई देख के एकदम सही लगेगा देखने में केप। सबके पीछे भाई उन लोग का झंडा लगा, उनका झंडा यहाँ पर को आगे इसके ऊपर कूद के आराम से, और वो भी चढ़ेगा भाई उसके ऊपर, क्या बात है। चलो यहाँ पर बस मुझे हारना नहीं, यहाँ पर इतना आगे आने के बाद, इतना आगे आने के बाद हारता हूँ फिर मैं दिमाग खराब होता है, गुस्सा आता है फिर बहुत। रुको आ गया इसके ऊपर, और यहाँ पर अभी क्रैक्ट आ लेगी यहाँ पर, रुको रुको रुको, और अब आने वाली भाई, अब आने वाली यहाँ पर, यहाँ पर अरे नहीं कूदना चाहिए यहाँ पे, लेकिन कोई बात नहीं, चलो आ गया इसके ऊपर एकदम आराम से खेलना। अरे भाई अपना आप टाइम मारा इसने, अपना आप कैसा टाइम मार लेता भाई वहाँ पर, वो पता नहीं भाई जमीन पर खड़े होने के बाद टाइम मारा उसने वहाँ पर, और ये भाई गिर गया, ये तो एक कैसे गिरा पता नहीं भाई, लेकिन चलो मैं यहाँ पर कर गया क्वालीफाई, लेकिन देखते अब सातवें राउंड के अंदर क्या होगा आगे। और यहाँ पर अभी सातवें राउंड यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है, तो भाई मैं तो एकदम पक्का कर गया क्वालीफाई सेकंड फेज के लिए, लेकिन फिर भी भाई सेफ्टी के लिए एक और राउंड क्वालीफाई कर जाते हैं यहाँ पर, ताकि ऐसा रहेगा ना कि छः राउंड क्वालीफाई करो तो हम कन्फर्म ही क्या भाई सेकंड फेज के लिए जा रहे हैं हम लोग। और ये भाई क्या कर रहा था, ये उसके आगे निकलना भाई, इसके आगे निकल गया, चलो अभी नहीं निकला इसके आगे, मेरे को लगा निकल गया कि नहीं निकला, ये आगे मेरे अभी भी। और यहाँ पर ट्रिक नहीं करा भाई, ट्रिक नहीं काम हो पाई उसकी, वहाँ पर फेल हो गया ट्रिक करते करते, और मैं निकल गया इसके आगे। यहाँ पर गिरना मत भाई, गिरना मत यहाँ पर। और अभी यहाँ पर अरे भाई पिछले नहीं, चलो अच्छी बात पिछले नहीं यहाँ पर मैं, और अभी पड़ गया यार, गलत जगह जंप लगा यहाँ पर मैंने, यहाँ पर गुरु गुरु नहीं, कोई बात नहीं भाई, कोई बात नहीं, अभी भी मौका है अपने पास जीतने का, अच्छा खासा मौका है अभी भी। वो अगर आगे रहता ना अगर मेरे पीछे तो निकल गया रहता मेरे आगे, लेकिन शायद गिरा होगा कहीं पर वो भी, तो अच्छी बात है। चलो मैं निकल गया अभी आगे, सबसे आगे भाग रहा हूँ अभी, और आराम से भाई पंखे से नीचे से निकल जाऊंगा और डाइव मारते मारते खेलूंगा। और चलो भाई कर गया इसके अंदर भी क्वालीफाई कर गया, लेकिन देखते आठ, वैसे तो कर गया सेकंड फेज के लिए क्वालीफाई, लेकिन फिर भी देखते हैं आठवें राउंड में क्या होगा आगे। और यहाँ पर अभी चालू हो चुका है बॉट बैच, चालू हो चुका है यहाँ पर आठवें राउंड के अंदर, जो कि हर बार आता ही है आखिरी राउंड में ये पहले फेज के। और यहाँ पर भाई ये क्या नाम है इसका भाई, कितना गंदा नाम लिखा रखा इसने अपना, यहाँ पर को आराम से आ गए। अरे भाई नहीं चढ़ पाया इसके ऊपर, और अगर ऐसा रहता ना भाई कि इसके ऊपर चढ़ सकते अपन तो भाई मज़ा आता है इसके ऊपर चढ़ के खेलने में, क्या ही मतलब जो चढ़े रहता भाई वाट लग जाती, लवाट लग जाती फिर सबकी, कोई अगर एक पे चढ़ जाता तो सब लोग कूद कूद के पंच मारते भाई इसको वहाँ पर, दूर हटो भाई दूर हटो यहाँ से, और मुझे नहीं लगता मैं खेल पाऊंगा इसे चिपक कर भाई, दूर रहकर खेलूंगा। अरे भाई देखो टकराया लेकिन कुछ लगा ही नहीं उसको, टकराया भाई निशान तक बन गया लेकिन कुछ लगा ही नहीं उसको। और यहाँ पर देखो वापस से पैर के नीचे नाच रहे मेरी लाल मशीन ये, उससे पहले एशिया वाले में भाई, एशिया वाले में पैर के नीचे आके मेरे को मार के गिराया भाई उसने वहाँ पर, लेकिन कोई बात नहीं, चलो भाई कोई बात नहीं, यहाँ पर आराम आराम से खेलेंगे। और ये प्रो प्लेयर तो है भाई, प्रो प्लेयर तो है इतना तो पक्की बात है। और पढ़ा रहे फिर बच गया वो, वो लगने के बाद कैसे बचते यार ये लोग, मेरे को दिखाता है पूरा कि टकराए ये लोग फिर भी बच जाते पता नहीं कैसे। यहाँ पर को भाई आराम आराम से, आराम आराम से, और वो खेल रहा भाई धक्का देगा, मैं बोला ना धक्का देगा कर, मैं बोला धक्का देगा कर, मेरे को देखकर समझ गया था धक्का देने वाला वो आके। और यहाँ पर को एकदम आराम से भाई तीसरा कलर छोड़ रहा है वो भाई, कूद के निकलो इसके ऊपर से, और पड़ा भाई पड़ा उसको, लेकिन बहुत एकदम ईजी वाला पड़ा, ज़्यादा बुरा नहीं पड़ा भाई, मेरे को मत मार दे भाई, मेरे को मत मार दे। यहाँ पर को धक्का देगा वापस आके भाई, हटो इसे दूर भागो। और यहाँ पर एकदम आराम से खेलना है अभी, और वो गिर ही नहीं रहा यार, गिर ही नहीं रहा वो, और कहीं गिरेगा तो मजा आएगी, लेकिन अरे भाई मेरे को लग गया यार, बच्चा बच्चा थोड़ा बच गया बच गया। और यहाँ पर कोई एकदम आराम से भाई, एकदम आराम से, एकदम आराम से आ गया आगे, और पड़ गया उसको, अब गिरेगा भाई, अब गिरेगा, अब गिरा, अरे यार अंदर आ गया वो, अंदर आ गया, क्या बचा भाई, मेरे को मार दी गाड़ी ने आके, हट यार। और यहाँ पर अभी रैंकिंग आ चुकी है यहाँ पर हमारी, देखते कितने नंबर पर खेसने मुझे भाई, दो ही राउंड आ रहा था उसमें। और यहाँ पर भाई आखिरी राउंड अगर नहीं आ रहा था तो शायद पहले पे रहता, देखो यहाँ पर भाई जो जो आखिरी राउंड आ रहा भाई वो पहले पे, अगर मैं वो राउंड जीता रहा था भाई मैं पहले पे रहता, लेकिन कोई बात नहीं मैं आठवें नंबर पे भी यहाँ पर। और मैं इतनी बात तो कंफर्म है कि भाई मैं कर गया सेकंड फेज के लिए क्वालीफाई, लेकिन देखता हूँ सेकंड फेज के अंदर क्या होगा आगे भी। और यहाँ पर आ चुका सेकंड फेज का पहला राउंड आ गया है यहाँ पर, एकदम इजीली क्वालीफाई कर गया था भाई पहले फेज में तो इतना अच्छे से मैं, और इसको खेलना पड़ेगा भाई एकदम अच्छे से। और यहाँ पर क्या कौन आ गया भाई, सुपर वॉलोट नाम है इसका, और यहाँ पर इसको पीछे करना भाई, इसको पीछे करना है मुझे, और आराम से निकल गया भाई इसके आगे। चलो एक नंबर भाई, ये पिछल मत भाई, पिछल मत, पिछल मत, चलो भाई पहुँच गया भाई इसके आगे, निकल गया भाई यार, पर हो गया भाई यार। ये देखो भाई एशिया सर्वर के अंदर भी भाई यही हुआ था, सेकंड फेज के पहले राउंड में एशिया सर्वर में भी यही हुआ था यार, मैं यहाँ पीछे भी आर पर हुआ था, आगे भी आर पर हुआ था। और यहाँ पर भाई अभी इंडिया वाले भाई लगातार यार कैसे कैसे हो रहा है लगातार, ये
मतलब एशिया में भी हो रहा है, इंडिया में भी हो रहा है, ये क्या बात हुई यार। और वो खेल रहा था, चढ़ाने के लिए रुका यहाँ पर जान मुझके, वो चढ़ाने के भाई ये भी जानते हैं मेरे को, ये शायद ये भी पहचान गया शायद मेरे को, ये इसने वहाँ पर हाई कर रहा है, देखो हाई कर रहा है यार, शायद जानता होगा भाई, पता नहीं मुझे। यहाँ पर कोई एकदम आराम से आ गया इसके ऊपर और गिर जा भाई, यार नहीं गिरा। लेकिन कितनी ख़राब बात है यार, देखो एकदम अच्छे से खेल रहा है लिखते हुए, मैं इसको दुआ कर रहा उसकी गिरने की। लेकिन कोई बात नहीं भाई, पहला राउंड हार देंगे कोई बात नहीं रहेगी। यहाँ पर भाई पहुँच गया अब तो वो चांस ही, और मार दिया भाई, मार दिया गेम वाले ने उसको। और यहाँ पर अभी मैं भी को नहीं मारा, कोई बात नहीं, चलो भाई मैं करके यहाँ पर क्वालीफाई कर गया भाई, इतना हारता राउंड क्वालीफाई करा यहाँ पर मैं। लेकिन देखता अब सेकंड राउंड के अंदर क्या होगा आगे, और आ चुका यहाँ पर लॉस्ट टेंपल आ गया है अभी, देखते भाई इसके अंदर क्या होगा, एकदम अच्छे से खेलना पड़ेगा क्वालीफाई करने के लिए। और यहाँ पर भाई लेफ्ट में रखा मुझे, लेकिन कोई बात नहीं, कूद के निकलूँगा राइट से मैं। और यहाँ पर है ना, यहाँ पर रुको आराम से रुको, यहाँ पर से डायरेक्ट जंप मारेंगे तो भाई निकल गया इसके आगे में। अरे पड़ा भाई पड़ा, उसको पड़ गया वहाँ पर एकदम, अब एकदम आराम से खेलूंगा मैं हर जगह, आराम आराम से भाई, इजी रहकर क्वालीफाई करेंगे एकदम अच्छे से, कभी जल्दबाजी नहीं करूँगा यहाँ पर। रुको किनारे पे से आराम से भाई आ गया इसके भी ऊपर, और जहाँ पे मुक्के बने हैं ना भाई वहाँ पर भी एकदम आराम से रुक रुक के जाऊँगा, डाइव भी मारूंगा कहीं पर भी जल्दबाजी करने के लिए। यहाँ पर कर ही लेते, चलो यहाँ पर कर लेते एकदम आराम से। और अब तो भाई यहाँ पर रुकने की जरूरत है भी नहीं, टाइमिंग पर निकल गया एकदम अच्छे से आगे, और गोला फेंक दिया इसने तो कोई बात नहीं, एकदम आराम से भाई निकल जाएंगे आगे की तरफ, और चुपचाप से भाई एकदम सुकून में खेलेंगे आगे निकलने के लिए रेड कार्ड दिखाते हुए। और यहाँ पर जमीन, चलो भाई कर गया क्वालीफाई कर गया इसके भी अंदर, लेकिन देखते अब तीसरे राउंड के अंदर क्या होगा आगे भी। और यहाँ पर चालू हो चुका है सेकंड फेज का, तीसरा राउंड यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है अभी, और खेलना पड़ेगा अच्छे से भाई लगातार, अगर पाँच राउंड क्वालीफाई कर गया तो भाई मैं थर्ड फेज में चला जाऊँगा एकदम अच्छे से। और यहाँ पर चालू हो चुका भाई, यहाँ पर आ चुका है यूएल रेफरी, और एक फुटबॉल प्लेयर आ चुका है यहाँ पर, इसको तो रेड कार्ड दिखा के निकालूंगा इसको। ये भी हंसते हुए खेल रहा भाई एकदम सही तरीके से, चलो अच्छी बात है। यहाँ पर चलो एकदम अच्छे से हैशटैग बना, और भाई ऐसा तो नहीं बोल सकते सभी पहचान रहे मेरे को, जो भी हंसते हुए मुँह दिखा रहा है वो पहचान रहा है मेरे को, सबको तो नहीं बोल सकता मैं, लेकिन चलो कोई बात नहीं, हो सकता है भाई फैन होगा मेरा, लेकिन अरे भाई क्या ज़्यादा बोल रहा हूँ मैं भी, एकदम अच्छे से भाई एकदम अच्छे से, और खेल रहा है एकदम सुकून में खेल रहा है अभी। चलो इसलिए चाहता है कि मैं बॉडी ना करूँ इसको, मतलब धक्का कर रहा, अरे भाई प्रो प्लेयर, भाई प्रो प्लेयर है, तो ये तो प्रो प्लेयर निकल गया, खेलेगा मतलब मस्त खेलेगा। और दीवार का पर हुआ देखो, ये यहाँ पर उसको रेड कार्ड दिखाते हुए खेल रहा है, और ये हंसता मुँह दिखाते हुए खेल रहा है, यहाँ पर पड़ा मच गया, लेकिन मैं एकदम आराम से भाई निकलेंगे। देखो उस पर वो मेरे पर भरोसा नहीं कर रहा है, यहाँ पर उसको लगा मैं बॉडी करूँगा, इसलिए पहले कूद के निकल गया राइट पर वो, और ऊपर से निकल गया वो, तो मैं सोचा भी नहीं ऊपर से निकलने के, यहाँ पर मैं सोचा आराम से दीवार तोड़ के निकलेंगे अच्छे से एकदम। और अभी रुको एकदम आराम से भाई इसको भी तोड़ दूंगा अभी यहाँ पर, और आराम से भाई इसको भी तोड़ दूंगा यहाँ पर, और मेरे भरोसे खेल रहेगा वो कि मैं दीवार तोड़ूंगा तो निकलेगा आगे वो, लेकिन कोई बात नहीं यहाँ पर। और यहाँ पर पता नहीं भाई वो कांटे वाले ब्लॉक कब निकलेंगे, जिसको तोड़ के निकलना पड़ता है आगे भाई, वो आता था मजा आती खेलने में, सही बता रहा हूँ, वो जब आता तब मजा आती खेलने में। और अभी तो एकदम नल्ले नल्ले ब्लॉक है यहाँ पर, ढीले ढीले ब्लॉक है एकदम ईजी ईजी। और यहाँ पर अब आने वाला शायद अब आएगा यहाँ पर, रुको रुको दो माले के ब्लॉक आ चुके अभी, और आराम से भाई पहुंच गए चलो इसके भी ऊपर, और वापस से भी आ चुका भाई, वापस से भी आया है, मुझे लगा कुछ लगाएगा लेकिन वही आ रहा बार बार। और यहाँ पर वापस से आ चुका है अलग वाला थोड़ा, अभी इस बार लगाया थोड़ा, यहाँ पर दोनों गिर गए भाई, दोनों गिर गए, लेकिन कोई बात नहीं, चलो मैंने तोड़ दिया ब्लॉक को यहाँ पर, और ये खेल रहा भाई अच्छा खेल रहा अभी तक तो। और आ चुका है यहाँ पर भाई आगे यहाँ पर, और पड़ा भाई उसको क्या गलत जगह टकराया भाई वहाँ पर, वो इतना गलत एलिमिनेट हुआ यार, मैं हो चुका ऐसे बहुत बार भाई, मुझे पता है कैसे लगता है ऐसे जब एलिमिनेट होते तो आप लोग, लेकिन कोई बात नहीं, यहाँ पर मैं कर गया क्वालीफाई करना, देखते चौथे राउंड के अंदर का होगा आगे। और आ चुका यहाँ पर सुपर स्लैंड आ गया चौथे राउंड के अंदर, तो खेलना पड़ेगा इसको भी अच्छे से क्वालीफाई करने के लिए। और भी बस भाई मुझे दो राउंड और क्वालीफाई करना है भाई, दो राउंड और क्वालीफाई करूँगा मैं, कर जाऊँगा क्वालीफाई थर्ड फेज के लिए। और यहाँ पर पांडा को पड़ेगा ऐसा लग रहा है मुझे, पांडा बजा रहे मैं निकल गया पांडा के आगे, चलो पांडा के आगे भाग रहा हूँ अभी, बस गिरना नहीं कहीं पर मुझे, और उसकी ट्रिक ने काम करी, और अच्छी बात होगी ये तो। यहाँ पर एकदम आराम से भाई एकदम आराम से पहुँच जाऊँगा इसके ऊपर, और अब बस यहाँ से फिसलना नहीं है बस, तो यहाँ से फिसलते तो पूरा गेम ख़राब होता अपना। चलो आगे आगे की तरफ हैशटैग वन दिखाते हुए खेल तो रहा हूँ, लेकिन पता है यहाँ पर क्या होगा मेरे साथ। और यहाँ पर पहुँच गया भाई एकदम इसीलिए पहुँच गया इसके भी ऊपर, एकदम आराम से खेलना भाई, एकदम आराम से खेलना, कहीं पर टकराना नहीं यहाँ पर, नहीं तो भाई पहले फेस की तरह राउंड हो जाएगा वाला, कि जो प्लेयर यहाँ पर आकर टकरा के ही रहा था भाई, बहुत खराब लगा था देखकर उसको। और यहाँ पर मैं करके क्वालीफाई, लेकिन देखता पाँच राउंड के अंदर भाई, बस एक राउंड मुझे और क्वालीफाई करना, मैं थर्ड फेज क्वालीफाई हो जाऊँगा फिर तो। और आ चुका यहाँ पर भाई पाँच राउंड यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है, और बस भाई मुझे कोई एक राउंड क्वालीफाई करना है यार, यहाँ पर पाँच या तो नीचे छठा नहीं तो, अरे भाई मेरे को राइट पर रखा इसने, राइट साइड पर रख दिया भाई मुझे इसने, यहाँ पर को आराम से भाई डाइम, अरे अरे चलो मैं निकल गया आगे, मैं निकल गया आगे। और यहाँ पर इसको मुझे आगे नहीं निकलने देना, एकदम आराम से भाई खेलो, अरे यार रुक गया यहाँ पर फालतू में मैं, यहाँ पर मैंने मौका दे दिया उसको रुकते हुए यार, मुझे राइट पर जाना चाहिए था। और यहाँ पर भाई गिर मत अरे यार, फिर रख दिया भाई मैंने एक और जगह यार, दो जगह लगातार मैंने एडिशन कर दिया यहाँ पर। और अब तो भाई जीती आएगा वो, अब तो इसके आने का चांस है नहीं जरा भी भाई, खेलते रहेगा तो एकदम ईजिली, देखो भाई चढ़ गया इसके भी ऊपर, और मुझे लगा टकराएगा लेकिन नहीं टकराया वो। और भाई पत्थर धक्का दे दे इसको नहीं देगा यार, बच गया। और कर गया वहाँ पर क्वालीफाई कर गया वो यार। तो भाई छठा राउंड यहाँ पर चालू नहीं हो रहा था तब के, यहाँ पर देखो वही प्लेयर आया था जो मेरे यहाँ पर सेकंड फेज के पहले राउंड में आया था, सुपर वॉरलॉर्ड। और जब वो यहाँ पर आया तो भाई देखो स्टार्टिंग मैच क्लिक कर तो आया, लेकिन भाई बहुत देर तक यहाँ पर बैठे रहेगा, लेकिन स्टार्टिंग मैच चालू नहीं हो रहा था ये। और जब मैंने ऐसे बैक करा तो भाई मुझे पता चला कि भाई सर्वर डाउन हो चुका है गेम का, मतलब टूर्नामेंट वाला हिस्से का सर्वर डाउन हो चुका है यहाँ पर।
और ये बात मुझे पता चली जब मैं डिस्कॉर्ड पे आकर देखा तो भाई तुम मुझे पता चला सब लोग भाई मैं अकेला नहीं था, बहुत सारे लोग का गेम चला नहीं यहाँ पर। और भाई बहुत देर तक चालू हुआ ही नहीं, पता नहीं रात में कुछ 11-12 बजे तक, 11-11:30 के आसपास चालू हुआ उसके बाद जाकर ये। और अभी आप लोग यहाँ पर देखो कि भाई यहाँ पर है ना, मैं थर्ड फेज के लिए कर गया तो क्वालीफाई पता नहीं कैसे, लेकिन थर्ड फेज के लिए मैं क्वालीफाई कर गया था और मुझे यहाँ पर उसने आखिरी राउंड में पता नहीं क्यों एलिमिनेट करा दिया, जबकि हम दोनों यहाँ पर खेल ही नहीं पाए थे। यहाँ पर ड्रॉ लिख के आना चाहिए था लेकिन यहाँ पर एलिमिनेट कर दिया इसने मेरे को, और शायद ना सुपर वॉलोड का गेम चल गया था, मेरे को यहाँ पर अटका दिया था इसने। और अगर यहाँ पर लोग आप देखोगे भाई मैं 17वें नंबर पर था, पता नहीं कैसे लेकिन भाई मैं यहाँ पर 17वें नंबर पर था, एकदम अच्छे से खेलते हो भाई, एकदम सही तरीके से खेल रहा था पूरा राउंड। और अगर भाई थर्ड फेज खेलने का मौका मिलता मैं खेल लेता यार मैं, लेकिन खेल ही नहीं पाया आखिर राउंड, तो भाई मैंने गेम ही बंद कर दिया था उसके बाद, उनका सर्वर भी इतना देर के बाद चालू हुआ। और ये तो कुछ नहीं भाई, ये तो कुछ नहीं, अगर आप लोग देखेंगे ना कि थर्ड फेज के अंदर क्या चला था भाई आपका दिमाग हिल जाएगा, वहाँ पर देखते हैं क्या चल रहा है यहाँ पर। देखो यहाँ पर अगर थर्ड फेज में गया तो भाई देखो यहाँ पर देखेंगे ना आप लोग, भाई गेम खेला ही नहीं किसी ने यहाँ पर, देखो भाई पूरा पहला राउंड खाली गया यहाँ पर, फ्री में लोग क्वालीफाई करते हुए आगे निकले हैं, मेरे को यहाँ पर 5 जेम्स मिले, लेकिन भाई जो लोग फ्री में आगे निकले भाई लोगों को 10-10 जेम्स मिले यहाँ पर। और उसे और जो जीता ना भाई, जो जीता उसने कितने भाई, बस 2 या 3 राउंड खेला रहेगा जो जीता इसने इसके अंदर, तो यहाँ पर भाई बहुत ही गंदा टूर्नामेंट हो चुका था यहाँ पर। और इन लोग का सर्वर का प्रॉब्लम है भाई, हर दूसरे दिन पे हो रहा है, इससे पहले सैटरडे को हुआ था, फिर बाद में संडे को वो शिनचैन गेमिंग के टूर्नामेंट में हुआ था, वो सर्वर डाउन हो गया था उसके भी अंदर, मतलब गेम चला नहीं था किसका भी, और आज यहाँ पर हो रहा है। और ये लोग पता नहीं भाई फिक्स करने के लिए कुछ करेंगे कि नहीं इसको, मतलब डेली का एक नंबर एक बार हो ही जाता सर्वर डाउन इनका। तो गाइस आज के लिए इतने, अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, हम आप लोग मेरी एक नई वीडियो में, जब तक के लिए बाय।